हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करते हैं। तो आज की जो वैकेंसीज हैं वो एक यूनिवर्सिटी में है और एक स्कूल में है। यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी सैलरीज वो अपने फैकल्टी मेंबर्स को पे करते हैं। उनके एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, तो इसका मतलब अगर आपने M.Ed करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। जो स्कूल है वहाँ पे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं और उनको अलग अलग लेवल पे PGTs, TGTs और PRTs की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और इसके पहले हमारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। इसके आप तक ये वीडियोस, ये वैकेंसीज डेली बेसिस पे पहुंचती रहेंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वो वैकेंसीज कहां पे। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है। ये है एडमस यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो आप शायद जानते भी होंगे, राइस एक ग्रुप है जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है, उसी का ये पार्ट है और नया वेंचर है। 5 से 6 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे हैं इसीलिए, और ग्रोइंग फेज में है। अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स को। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक तो फैकल्टी पोजीशंस उनको चाहिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में। फिर उनका द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स फॉर टीचिंग पोस्ट्स, जो कि अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। तो सबसे पहले अगर मैं ये एजुकेशन वाले टैब पर क्लिक करूं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला है, तो उसके अंदर ये वाला पेज ओपन होता है जब हम उस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। और इन्होंने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग वैकेंसीज का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। उसमें इंग्लिश के लिए एक तो उनको चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, M.A. इंग्लिश मांगा हुआ है, साथ में M.Ed आपका होना चाहिए और साथ में या तो फिर नेट आपने क्वालिफाई करा हो या फिर PhD आपका है। तो विदाउट PhD भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने M.Ed कंप्लीट करा हुआ है। बंगाली के लिए भी उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, M.A. M.Ed उसके लिए क्वालिफिकेशन है, और नेट या सेट आपने करा हो या फिर PhD करा हो। तीसरा, उनको एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए कॉमर्स के लिए, उसके लिए M.Com और M.Ed क्वालिफिकेशंस है क्योंकि ये सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। PhD को प्राथमिकता दी जाएगी, they'll prefer a PhD but still if you are NET or SET qualified with a postgraduate degree you can still apply and evaluate the chances of being participation in the same। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। दूसरी वाली जो वैकेंसी है इसी यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको बताता। तो जो टीचिंग पोस्ट के लिए टैब है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही अलग अलग, जो विद इन द डिपार्टमेंट अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे ये वैकेंसीज हैं। जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपका M.Tech होना चाहिए और अगर PhD आपने करा हुआ है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बट यू कैन स्टिल अप्लाई अगर आपने M.Tech करा हुआ है या M.E करा हुआ है। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए उन्होंने लिखा है कि वो 5 साल का एक्सपीरियंस प्रेफर करेंगे। तो ये उसका सिर्फ एक पेज हमने खोला हुआ है, 15 पेज है इसमें। जब आप इसके ऊपर जाके दूसरे पेज में जाने के लिए क्लिक करेंगे तो और इसकी डिटेल्स आपके सामने निकल कर आएंगी। उनको माइक्रोबायोलॉजी और कॉमर्स, जर्नलिज्म, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये सब डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं और यहाँ पे भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। फार्मेसी के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, आप किसी भी फील्ड से हो ऑलमोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और जब यूनिवर्सिटी नई है तो आप इन एनी केस इन जनरल भी अप्लाई करें, तभी भी चांसेस निकल के आते हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी एक एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको recruitment@Admas University जो उनके रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी है, इस पे आपने भेजना है। लिखा हुआ है इन्होंने साथ में आपने क्या क्या अटैच करना है। एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, तो जो आप इसके नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 10 पेज का। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या इसे वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसे एडिट कर पाएंगे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या इवन मोबाइल फोन पे भी। यहाँ पे सारी डिटेल डाल दीजिए, लेकिन फोटो आपने इन एनी केस लगाना पड़ेगा। और फिर आप ईमेल कर दीजिए recruitment@admasuniversity.co.in जो इन्होंने बताया हुआ है, देन दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है मैं वो अब आपको बता, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एक स्कूल में है, और ये स्कूल है गुड़गांव में जो कि एनसीआर में है, नेशनल कैपिटल रीजन। जो वैकेंसीज इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली गई हैं, आप ये वेबसाइट नोट कर सकते हैं, लैंसर्स इंटरनेशनल स्कूल। बहुत ही रेप्यूटेड और कॉस्टली स्कूल है ये, इंटरनेशनल स्कूल है। जो वैकेंसीज हैं वो फिजिक्स टीचर उनको चाहिए, जो डीपी मतलब सीनियर क्लासेस के लिए, फिर एक विजुअल आर्ट्स टीचर उनको चाहिए, मैथ्स टीचर उनको चाहिए, फिर मिडिल ईयर्स मतलब 6ठी से 8वीं तक के लिए उनको विजुअल आर्ट्स का टीचर चाहिए, डिज़ाइन में उनको एक टीचर चाहिए, कंप्यूटर टीचर, फिर एक जनरल उनको प्राइमरी ईयर्स के लिए पीआरटी में एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज में भी उनको कोरियन और जापानीज लैंग्वेज के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा एक स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है, एक स्कूल काउंसलर उनको चाहिए, और एक सीनियर स्कूल के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का टीचर की उनको रिक्वायरमेंट है। स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरीज पे करते हैं, बट you need to be really good at it, then only you will stand a chance to get selected in it. So my recommendation is you assess your skills and then apply for this particular position. जो email ID है उन्होंने दिया हुआ है recruit@lis.ac.in। इसके ऊपर आप अपना resume, साथ में I would recommend कि cover letter भी mail कर दें। resume में लिखा होता है आपका experience क्या है, academics कैसे हैं, और कवर लेटर में लिखा होता है कि आप क्यों उस जॉब के लिए रेलेवेंट हैं। तो ये आप उनको भेज दीजिए एंड देन होपफुली दे विल रिस्पॉन्ड। तो होप ये आपके लिए कुछ यूजफुल रहा होगा। कल फिर हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।